नमस्ते एवरीवन, दिस इज खुशबू नाटा एंड एक्यूक्रेशंस फ्रॉम कोलकाता. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम वेरी इंपॉर्टेंट येट इफेक्टिव पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रीट योर फीवर एट होम अलॉन्ग विद योर रेगुलर मेडिकेशंस. जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्लस कलर थेरेपी, कुछ होम मेड रेमेडीज जिससे कि आप अपने फीवर का घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे. आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर थम एंड इंडेक्स फिंगर, अपने इंडेक्स फिंगर और थम की मदद से अपना बेस ऑफ द नेल को आपको प्रेस करना है, स्क्वीज विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड थम लाइक दिस. आपको जेंटली इसको स्क्वीज करना है, प्रेस करना है, दबाना है और अलॉन्ग विद दैट टेक डीप ब्रेथ्स. डीप ब्रेथ्स भी साथ साथ में लेते रहिए. इसी तरह से अपने सारे फिंगर टिप्स को आपको ऐसे प्रेस करना है. प्रेस जेंटली, स्क्वीज जेंटली, इसको प्रेस करते रहिए और डीप ब्रेथ्स लेते रहिए. इसी तरह से आपको अपने सारे फिंगर टिप्स को प्रेस करना है, ऑल द 10 फिंगर्स. एक एक फिंगर टिप को आपको 1 मिनट तक प्रेस करना है. मैं 1 मिनट तक प्रेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को 1 मिनट तक इसको प्रेस करना है लाइक दिस. ऑल द फिंगर्स, 10 फिंगर्स को आपको इस तरह से प्रेस करना है लाइक दिस. इस तरह से आप अपने सारे नर्व एंडिंग्स, सारे डिजिटल नर्व एंडिंग्स, मेरिडियंस को आप एक्टिवेट कर रहे हैं. दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर आईज जी पहुंचाता है आपके नर्व एंडिंग्स में. एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे सारे फिंगर टिप्स में जिंग वेल पॉइंट्स रहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपको फीवर में रिलीफ दिलाने के लिए लाइक दिस. अपने सारे फिंगर एंडिंग्स में, जस्ट टिप ऑफ द फिंगर, एट द एंड ऑफ योर फिंगर आपको ये आइस से मसाज करना है. मसाज इट फॉर 20 to 30 seconds ऑन ईच फिंगर्स. अगर फीवर बहुत हाई है, डिपेंड करता है कि फीवर कितना है. अगर आप देख रहे हैं मेडिसिन देने के बाद भी फीवर नहीं डाउन आ रहा है, तो दिस टिप्स एक्ट्स मैजिकली. ठीक है, आप इस तरह से अपने सारे फिंगर्स में, या अगर आप किसी और का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डू इट जेंटली. ठीक है, अगर आप एक किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप प्लीज़ डोंट बी ऑन एनजाइटी, आप आराम से उसका ट्रीटमेंट करिए. और ये ट्रीटमेंट आप बच्चों पे और बड़ों पे किसी पे भी आजमा सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है, जब आप इस पे आइस रब कर देते हो, आफ्टर डैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई ब्लैक कलर ऑन ऑल द टिप्स ऑफ द फिंगर्स. जहाँ पे हमने आइस से मसाज किया था वहाँ पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो. And these all treatments are tried and tested method, जो कि मैजिकली फीवर को डाउन करने में बहुत हेल्प करता है लाइक दिस. आप अपने सारे फिंगर्स में ये कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग विच आई टोल्ड यू. वन मोर थिंग, कलर थेरेपी में आप एक और चीज़ कर सकते हो. टूवर्ड्स योर मिडिल फिंगर आपको ये जो नेल के यहाँ से फ्रॉम द ग्रूव ऑफ योर नेल आप एक ब्लैक लाइन करिए. देखिए यहाँ पे आप ये दोनों देखिए, टूवर्ड्स द बेस ऑफ योर, आप यहाँ पे एक ब्लैक लाइन करिए टूवर्ड्स मिडिल फिंगर. ये आप दोनों फिंगर्स में कर सकते हैं. ये सारे मेरिडियंस बाइलेटरल हैं, आप इस फिंगर में और इस फिंगर में भी यहाँ नेल टिप के यहाँ से एकदम नीचे तक कर सकते हैं. एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेरिडियन आती है, और अगर हम यहाँ पे ब्लैक लाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट कर रहे हैं बाय दिस कलर थेरेपी. नेक्स्ट, इफ़ यू नो मैग्नेट थेरेपी, अगर आपको मैग्नेट थेरेपी आता है, इफ़ यू हैव मैग्नेट्स एट योर होम, वॉट यू कैन डू, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एक्यूप्रेशर, दिस इज GV14. आप कैसे खोजेंगे इसको, हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट या हाउ टू लोकेट दिस पॉइंट. हमारे अंगूठे में दो जॉइंट्स होते हैं, वन जॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड जॉइंट जो आपके हैंड से, पाम से अटैच्ड है. तो आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड जॉइंट है इसको बीचों बीच एक बोन है, इसे कहते हैं GV14. एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर पॉइंट होता है. दिस एक्ट्स एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर पॉइंट. आपको क्या करना है, मैग्नेट को लेना है और इस तरह से, सी दिस इज़ ए मैग्नेट एंड येल्लो साइड, येल्लो साइड
ऊपर की तरफ होना चाहिए और वाइट साइड स्किन को टच करना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में सिडेशन। तो हम लोग इसको सिडेट कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर लगाया है एट दिस पॉइंट, जस्ट सी इस तरह से, यहाँ पे आप ये मैग्नेट को लगा सकते हैं। एंड अगेन आई से दिस ऑल पॉइंट्स आर बायलैटरल, आप दोनों हाथों में इसे लगा सकते हैं लाइक दिस। सी हियर इज दिस पॉइंट, ठीक है, आप ये दोनों हाथों में लगा सकते हैं। दिस इज GV14 और इसको आपको सिडेट करना है। मींस येलो साइड आपका अपर साइड में रहना चाहिए, टेप के बाहर येलो साइड दिखेगा। तो फ्रेंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बाय अप्लाइंग दिस पॉइंट्स कुछ कलर थेरेपी, कुछ प्रेस करके, कुछ आइस जो मैंने यूज़ किया, आइस यूज़ करके एंड दिस GV14, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आप कुछ ही देर में देखेंगे जो फीवर जो बहुत हाई बढ़ रहा था, या कई बार होता है पट्टी करने के बाद भी फीवर डाउन नहीं आ रहा है, वो थोड़े ही देर में डाउन आना शुरू हो जाएगा। बट अगेन आई से डोंट स्टॉप योर रेगुलर मेडिकेशंस, इमरजेंसीज में यू शुड टेक द हेल्प ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर। एक्यूप्रेशर कैन बी ए फर्स्ट चॉइस बट एंड समटाइम्स इट ऑल्सो एक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू वेस्टर्न मेडिसिन। सो यू कैन अप्लाई दिस पॉइंट ऑन चिल्ड्रंस एज वेल एज एडल्ट। आप अपने आप पर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी दूसरे पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, तो इस वीडियो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जनहित में इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सके और एक दूसरे का हेल्प कर सके। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते।